हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं फुल मुडम्मास की रेसिपी। दोस्तों, ये रेसिपी हम अरेबिक स्टाइल में बनाएंगे। काफ़ी सारे अरेबिक कंट्रीज़ में इसको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की तरह खाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा पसंदीदार ब्रेकफास्ट माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो चलिए देखते हैं हमने इसको आज कैसे बनाया है। हम इसको घर पर बना के दिखाएँगे, बहुत ही ज़्यादा ईजी और टेस्टी बनने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको चाहिए फावा बीन्स। फावा बीन्स आपको कोई भी लोकल स्टोर में मिल जाएगा। ये कुछ इस तरीके से कैन में आता है, तो हम इसको निकाल लेंगे। ये एक्चुअली बॉयल्ड बीन्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। आप इसको हाथ से भी पिचका सकते हो। हम इसको मिक्सर में ग्राइंड करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो दोस्तों, इसका पेस्ट बनके रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से लगता है ये। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। यहाँ पे हमने एक पैन लिया है, पैन में हम कोई भी कुकिंग ऑयल डाल देंगे। तेल के गर्म होते ही हम डाल देंगे इसमें चॉप्ड ऑनियंस। ऑनियंस को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। ऑनियंस के साथ में मैं यहाँ पे दो ग्रीन चिली भी ऐड कर रही हूँ। इसके साथ अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। साथ ही में हम यहाँ पे गार्लिक पेस्ट डाल रहे हैं। गार्लिक को आप बारीक चॉप करके भी डाल सकते हो। साथ ही में यहाँ पे हम जिंजर पेस्ट भी डाल रहे हैं। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने डाला है टर्मरिक पाउडर, क्यूमिन पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। बस मसालों को अच्छे से हम कुछ देर तक फ्राई करेंगे। बहुत ही अच्छे से हमें इसको फ्राई करना होगा। दोस्तों, मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अभी हम लोग इसमें डालेंगे बारीक चॉप किए हुए टोमेटोज। टोमेटोज को कुछ देर तक फ्राई कर ले। अभी हम इसमें डालेंगे कोकोनट। कोकोनट को हमने एकदम फाइनली चॉप किया है और इसके साथ अच्छे से मिला ले। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और कुछ देर तक अच्छे से हम इसको पकाएंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल दे, अच्छे से मिला ले। अभी हम इसमें डालेंगे फावा बीन्स जो कि हमने पेस्ट बनाई थी। इसको डाल के अच्छे से मिला ले और हम इसको ढक्कन से ढक देंगे। करीब 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। दोस्तों, हमें इसको लो फ्लेम में पकाना है। तो यहाँ पे हमारी फूल मुडम्मास की रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा क्रीमी लग रहा है। बस हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे। इसके ऊपर हम कोकोनट मिल्क ऐड करेंगे। हमारी फूल मुडम्मास की रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है। दोस्तों, होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।